तो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं लगभग एक साल के बाद अपने दोस्तों से मिलूँगा। स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो, बेसिकली मेरे दो ही अच्छे दोस्त हैं मेरे स्कूल के जो अभी तक मेरे साथ हैं, तो उनसे मिलूँगा और हम कहीं घूमने भी जाएंगे। तो अभी तक डिसाइड तो नहीं किया हम कहाँ घूमने जाएंगे, पर अब मैं आपसे मिलूँगा गाड़ी में और ये व्लॉग ज़रूर पूरा देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे आकाश को लेने, उसके बाद रास्ते में ही गर्वित मिलेगा और वहाँ हम डिसाइड करेंगे हमने कहाँ जाना है, क्योंकि अभी तक किसी का भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो बहुत दिनों के बाद मैं इतना तैयार हुआ हूँ, तो अच्छा लग रहा है इतना रेडी होके। पहले एसी कम कर दूँ, नहीं तो हवा की आवाज़ आएगी आप सबको। तो बहुत दिनों के बाद मैं इतना तैयार हुआ हूँ, तो अच्छा लगा मेरे को इतना रेडी होके, लगा कि हाँ भाई मैं भी स्मार्ट हूँ। तो आज का व्लॉग बेसिकली रॉ व्लॉग रहेगा, मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना चाहता इस व्लॉग की, क्योंकि मैं चाहता हूँ रॉ फुटेज सा दिखे आपको कि हम दोस्त जब मिलते हैं तो क्या, मैं चाहता हूँ आप लोग रिलेट कर पाओ कि हम जब मिलते हैं दोस्त लोग तो हम क्या करते हैं। पर हाँ, अगर कोई गाली वाली निकली तो मैं उसे एडिट कर दूँगा, पर कोशिश करूँगा जितना रॉ रह सके फुटेज उतना रॉ रखूँगा, क्योंकि आप ताकि व्लॉग का मतलब ये होता है कि आप लोग रिलेट कर पाओ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिलेट करो मेरे व्लॉग से, इसलिए तो कोशिश करूँगा सारे व्लॉग्स को मैं रॉ ही रखूँ जितना आप लोग रिलेट कर सको मुझसे। तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, और इसको लाइक भी ज़रूर कर देना। तो ये है मेरा पहला दोस्त आकाश भाई। कौन सी क्लास से हम साथ में भाई? हमें फिफ्थ सिक्स से साथ में ही है। फिफ्थ सिक्स से साथ में है, और अभी हम कॉलेज भी साथ ही जाते हैं, मतलब कॉलेज तो बंद है पर साथ में हमने एडमिशन लिया था। इसी की खातिर मैंने लिया था, क्योंकि मेरे को ओपन से करना था और इसको भी ओपन से करना था, इसलिए। तो कैसा लगा भाई तेरे को आज मिलके इतने टाइम बाद? भाई बहुत बढ़िया, एक साल बाद मिल रहे हैं लगभग। हाँ एक साल तो हो ही गया। एक साल हो गया भाई, बता यार क्या वक्त बीत गया, कितनी जल्दी पता ही नहीं चल रहा। तो ये है हमारा दूसरा साथी गर्वित भाई, इंटरव्यू दो अपना। अबे ऐसा इंटरव्यू दे, इसने भी दिया अपना इंटरव्यू। मर गया मेरे साथ, इसके साथ स्कूल में, नमन के साथ। तो भाई मैं 4 साल 9 से मिले थे, 9 से भी 8 के आधे से, 8 के आधे से मिले थे, 8 के आधे से मिले थे, अभी तक साथ हैं, कृपा है भगवान। सही है भाई, वॉलीबॉल खेल रहे थे। और इससे कब मिला था तू? इससे तो मैं 10th में, 10th के बाद, 10th में ना, 10th 11th। बेसिकली एक बहुत बड़ा रीज़न था, एक तो हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे तो खुशी तो थी मिलने की, पर एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हम घूमना चाहते थे बाहर। यहाँ तो घूमते ही रहते हैं है ना भाई, यहाँ तो क्या ही है, हम बाहर कहीं जाना चाहते थे। हमारा एक प्लान बना भी था बीच में, पर लैंडस्लाइड्स आ गई थी, आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया प्लान। और थोड़ा एक और बड़ा रीज़न था है ना भाई कैंसिल होने का, पता ना तुम्हें? बिल्कुल भाई, तो हो गया इस वजह से कैंसिल। पर आज हम एक प्लान बनाएंगे अच्छा सा, कहीं बाहर जाने का, कहीं पहाड़ों पे या नॉर्मल ऐसे कहीं जाना, तो वो तो यही डिसाइड करेंगे, इन दोनों को ज़्यादा पता है घूमने का। बाकी हम प्लान करते हैं, और अब सीपी हम पहुंचने वाले हैं, तो आपसे अब मिलेंगे हम गुरुद्वारे में। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए फासले दरमियां। भाई तो यहाँ चल रहे हैं कढ़ी चावल, राजमा चावल, और मौसम हो चुका है तगड़ा, बारिश हो गई। लूलू चलानी थी भाई, कब चलाएंगे लूलू? लूलू अभी बारिश रुकने के बाद, बारिश रुकने के बाद और खाना खाने के बाद, तो खाना एंजॉय करते हैं, बिल्कुल उसके बाद मिलते हैं।
और ये हम अपनी तीन यूलू पे पहुंच चुके अग्रसेन की बावली। अपनी यूलू पे हम कहाँ गए अभी? अग्रसेन की बावड़ी। बावड़ी है। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या है? इंडिया गेट जाना है अब यहाँ से सीधा। तो अब इंडिया गेट मिलेंगे आपसे। और ठोक दी गाड़ी। अरे सारा भाई नमन, यूनो इतनी तेज चलाएगा किसी ने सोची ना होगी। तो आज हमें घूम के बहुत मजा आया। तुम्हें कैसा भाई, कैसा लगा भाई? भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। यूलू पे घूमने में आया लेकिन मन नहीं भरा उससे। अभी भी मन कर रहा है कि यूलू पे घर जाए, घर चले जाए क्या भाई यूलू पे? तो ये वाली यूलू कौन लाएगा फिर? हमने डिसाइड कर लिया है मतलब कहाँ जाएंगे हम वो ट्रैवल ब्लॉग सीरीज के लिए जो हमने पहले बताया था आपको। बाकी सरप्राइज है आपके लिए और हमारे लिए भी। जगह तो हमने भी डिसाइड नहीं करी है, जगह लगभग डिसाइडेड है, दो या तीन जगह डिसाइड है लेकिन जाएंगे एक चॉइस एक उसमें से एक चॉइस करनी है। पर पहाड़ों पे जाएंगे या नॉर्मल एक जगह मिक्स है अभी, मिक्स है ना, मिक्स है भाई। तो बजट भी तय करना है उस हिसाब से फाइनल होगा। तो अच्छा लगा, काफ़ी दिन बाद में गुरुद्वारे भी आए तो काफ़ी शांति थी उधर। उसके बाद हमने यूलू पे इधर उधर घूमे एक डेढ़ घंटा अग्रसेन की बावड़ी पे, इंडिया गेट गए, अग्रसेन की बावली गए, इंडिया गेट गए। वो सारी पिक्चर्स मेरी आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी, तो यहाँ कोई लिंक आ रहा होगा उसको आप दबा के मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी सारी पोस्ट देख सकते हो। इनका इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं कुल्फी फलूदे के साथ। बहुत फेमस जगह है कुल्फी फलूदे की, तो हमने सोचा क्यों ना आज मीठा खा ही लिया जाए। काफ़ी दिन बाद मैं मीठा खा रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है। तो इसी के साथ हम एक व्लॉग एंड करेंगे और मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में।